हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था डिग्री के बारे में। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि डिग्री क्या होता है और डिग्री के फॉर्म कितने होते हैं, डिग्री किस वर्ड से सूचित किया जाता है, ये सभी बातों को हमने पिछले क्लास में जाना था। डिग्री का मतलब क्या होता है तो पद होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें जाना था कि जब कभी भी डिग्री को डिनोट करना होगा तो हम किन से डिनोट करेंगे, या तो हम एडजेक्टिव से डिनोट करेंगे या फिर हम इसे एडवर्ब से डिनोट करेंगे, एडजेक्टिव से या फिर इसे एडवर्ब से डिनोट करेंगे, राइट। एक और बात हमने बताया था कि डिग्री जो होंगे वो मुख्य रूप से तीन तरह के होंगे। एक तो होगा आपका पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होगा आपका कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, और तीसरा जो होगा आपका वो था आपका सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, राइट। ये हमें पता था, इन तीनों के बारे में हमने चर्चा पिछले क्लास में आप लोग से किया था। अब जरा जानना है कि अब किस तरह से कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब हमें अगर पॉजिटिव फॉर्म में मिले तो उसे कंपेरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, उसे सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इनके बारे में अब रूल रेगुलेशन को हमें थोड़ा सा जानना है कि चेंजिंग द एडवर्ब और एडजेक्टिव फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव, राइट। पॉजिटिव से कैसे कंपेरेटिव में चेंज करना है, और कंपेरेटिव अगर वर्ड पता है तो कैसे हम सुपरलेटिव में हम फिर कैसे स्विच करेंगे, इसके बारे में जानना है। एग्जाम्पल में देखिए, पहले रूल की बात बाद में करेंगे, पहले एग्जाम्पल से जरा समझिए एक बार। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर बात करते हैं हम टॉल की, किसकी बात करते हैं, टॉल, तो टॉल क्या है, टॉल किसी की क्वालिटी है। जब किसी की क्वालिटी बताएगी मतलब किसी की पोज बता रही है, और जब पोज बताने की बात होगी तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा पॉजिटिव। अर्थात टॉल क्या हो गया, टॉल एक पॉजिटिव वर्ड है, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, टॉल जो आपका पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव मतलब कि पोज बता रहा, किसी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब बात यहां पे बात कीजिएगा कंपैरेटिव इसी का, तो हम लोग क्या कर लेंगे, टॉलर्ड कर लेंगे, हम बात कर लेंगे किसकी, टॉलर्ड की। तो टॉलर्ड क्या हो गया हमारा, ये कंपैरेटिव हो गया। अगर इसी को हम क्या चलर दे, सुपरलेटिव में करना चाहे, तो टॉलर्ड का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कि टॉलर्ड कंपैरिजन करेगा कि रोहन, रोहन इज टॉलर देन, टॉलर देन मोहन। तो यहां पे टॉलर वर्ड क्या बता रहा है, मैं टॉलर बता रहा है कि रोहन जो है, रोहन से ज्यादा टॉलर कौन है, मोहन है। यहां पे आपको डिनोट कर रहा है, यह टॉलर जो वर्ड है, यह टॉलर वर्ड वास्तव में कंपेयर कर रहा है लंबाई की रोहन से किसकी, मोहन की। इस दोनों के बीच में क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, क्लियर। उसके बाद बात कीजिएगा सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव में क्या था, सुपरलेटिव में वो सारे थे जो के क्या थे, सुपरलेटिव में जो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो ये टॉलर का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉलेस्ट, क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे कि हमने पॉजिटिव एक वर्ड लिया टॉल, इसका कंपेरेटिव बनाया टॉलर, और इसको हमने सुपरलेटिव बना दिया टॉलेस्ट, क्लियर है आप लोग को यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग स्विच करना सीखेंगे, रूल सीखेंगे कि किस तरह से किसी पॉजिटिव जो एडजेक्टिव या एडवर्ब हो गए उसको कैसे कॉम्पेरेटिव में चेंज करें, अगर कॉम्पेरेटिव पता है तो इसे कैसे सुपरलेटिव में चेंज करें, इसे करने का तरीका क्या होता है, इनके बारे में हम समझेंगे, क्लियर है आप लोग को। तो ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि हमें आज की क्लास में डिस्कस करनी क्या है, वास्तव में हमें जानना क्या है, जानना क्या है। चलिए जरा सा देखते हैं एग्जाम्पल को, और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके रूल रेगुलेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले रूल को हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज करने के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले रूल की हम चर्चा अभी करेंगे एक एक करके रूल्स, और बिल्कुल आसान तरीके से जिससे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे आसान तरीके से हम समझेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे ऐसे चीजें भी मिलेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी होते हैं, सिर्फ आपके इसी एग्जाम्स के लिए नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए
अलग भी आपकी जरूरी पड़ते हैं। हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो होंगे वो चुनिंदे स्पेशल रूल्स होते हैं, इनकी क्लासेस हम आपको अलग से भी प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि ये जो होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डिग्री के फर्स्ट रूल को हम समझने की कोशिश करेंगे बात। ठीक है, कि जब कोई शब्द वन सिलेबल का हो, अब आप सोच रहे होंगे ये वन सिलेबल क्या होता है भाई, सिलेबल क्या होता है? तो दरअसल क्या होता है कि ऐसा कोई वर्ड जिसको अगर तोड़े तो टूटने के बाद दो अलग अलग अर्थपूर्ण शब्द न बने। जैसे मान लीजिए टॉल को अगर आप तोड़े, तो टॉल को तोड़ेंगे तो टी अलग ऑल अलग, तो ऑल का तो वर्ड बन जाएगा एक, लेकिन बताइए क्या टी कोई वर्ड बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है, तो यह कहलाएगा वन सिलेबल का। बात समझ में आ रही है? जिसे तोड़ने के बाद ये क्या हो जाए, जिसे तोड़ने के बाद सिर्फ एक ही शब्द बने, अच्छे हैं अर्थपूर्ण सिर्फ एक शब्द बने, तो उसे क्या कहेंगे, वन सिलेबल। उसी तरह से टू सिलेबल होता है जिनको तोड़ने के बाद दो अर्थपूर्ण शब्द बने। एग्जाम्पल में देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब जरा इसको तोड़ के देखिए, ब्यूटीफुल को तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा आपका ब्यूटी, ब्यूटी हो जाएगा, एक हो जाएगा फुल, ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको आसानी से कर सकते हैं। मतलब क्या, वन सिलेबल का मतलब जिसे तोड़ने के बाद सिर्फ एक ही सिलेबल। ठीक है, और जब क्या हो जाए कि एक से ज्यादा सिलेबल, मतलब तोड़ने के बाद एक से ज्यादा बने, तो यहाँ पे सिलेबल के बेस पे देख रहे हैं ये सिंगल सिलेबल वाले वर्ड है और ये हमारा टॉल है, राइट। अब जरा देखिए ध्यान से इस वर्ड को, टॉल को। ठीक है, इसी तरह से एक और वर्ड देख लेते हैं हम लोग, स्मॉल। अब जरा देखिए ध्यान से, इससे भी जरा तोड़ के कोशिश करें क्या इसे हम ज्यादा वर्ड में तोड़ सकते हैं क्या। तो एक फॉर्मेशन तोड़ेंगे तो एस और दूसरे तरफ मॉल, राइट। अगर और तोड़ने की से कोशिश करें तो और क्या कर सकते हैं, एस एम अलग निकलेगा और एक ऑल निकल जाएगा। बताइए इसमें अगर मीनिंगफुल वर्ड की बात करें तो यहां पे आपका क्या है, ऑल एक मीनिंगफुल वर्ड है, ये आपका क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है, ये मीनिंगफुल है। और यहां पे आपका मॉल देखेंगे तो मॉल भी क्या आपका मीनिंगफुल है, ये भी मीनिंगफुल है। लेकिन जरा ध्यान से कोशिश कीजिए, क्या एस और एस एम इसका कोई मीनिंग है? तो नहीं, ये मीनिंगलेस है। ये क्या है, ये है मीनिंगलेस। तो जो मीनिंगलेस वर्ड है वह तो वर्ड के कैटेगरी में आएंगे ही नहीं, क्योंकि जनरली क्या कहा जाता है कि वर्ड किसे कहेंगे, जब लेटर का अरेंजमेंट इस बेस पर हो कि उसका कोई अपना स्पेसिफिक मीनिंग रहता हो, तो उससे हम लोग वर्ड कहेंगे। तो ऑल तो वर्ड है, क्योंकि ऑल का मीनिंग होता है कोई वर्ड होता है, अर्थ होता है कुछ। लेकिन यहाँ पे एसएम का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। तो जो आपका लेटर का अरेंजमेंट मीनिंगलेस होगा तो उससे हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे, तो यह वर्ड नहीं बन रहा है। मतलब क्या कि यह जो टॉल होगा यह सिंगल सिलेबल वाला होगा, सिर्फ वन सिलेबल इसके अंदर होंगे, सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड, एक मीनिंगफुल लेटर आपका निकल के तैयार हो रहा है। तो ये आपके इसके बेस पे आपको सिलेबल पहचानना है आपको। ठीक है, तो पहला आपने पहचाना कि ये सिंगल सिलेबल वाले। तो ऐसे अगर वर्ड्स दिए हो आपको एडजेक्टिव के या फिर आपके वर्ड दिए हो एडवर्ब के, ठीक है, ये एडजेक्टिव के वर्ड मान लीजिए कि दिए आपको, स्मॉल को ही लेते हैं, स्मॉल को, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया वन सिलेबल वाले। अब क्या हो गया कि ये जो स्मॉल है, स्मॉल हमें क्या डिनोट करता है, कि कोई वस्तु छोटा है, मतलब उसकी अपनी पोज, अपनी पोजीशन मालूम चल रही है। तो यह जब पोज मालूम चलेगा तो बताइए कि यह वर्ड का डिग्री क्या होगा, तो पॉजिटिव डिग्री होगा, क्योंकि इसकी अपनी पोज हमें मालूम चल रही है। तो जिस वर्ड से उसकी पोज, उसकी अवस्था, उसकी पोजीशन हमें मालूम पड़े, तो वह पोज वाला वर्ड क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन इस स्मॉल वाले वर्ड को अगर हमें कंपेयर वेज में ले जाना है, हमें कहाँ ले जाना है, कंपेयर में ले जाना है, हमें अगर किसी और वर्ड के साथ इसे हमें तुलना करना है, कंपेयर करना है, तो स्मॉल को कॉम्पेरेटिव फॉर्म देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल को उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो
तो फॉर्म में चेंज करने का क्या है कि कंपेरेटिव जब चेंज करेंगे तो इसके साथ जो वर्ड यूज करना है आपको ईआर वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? ईआर यूज वर्ड करना है आपका। इस वर्ड में ईआर लगाएंगे सिर्फ। तो आपका बेस वर्ड क्या है? आपका बेस है स्मॉल, ठीक है। और इस बेस में जोड़ना क्या आपको? तो इस बेस में जोड़ना है आपको सिर्फ ईआर। क्या जोड़ना है? ईआर। अब ईआर जोड़ने के बाद यह जो स्मॉलर बनेगा, यह स्मॉल क्या हो जाएगा? यह स्मॉल आपका पॉजिटिव था, अब यह फॉर्म हो जाएगा कंपेरेटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में चला जाएगा? ये हो जाएगा आपका कंपेरेटिव फॉर्म में, राइट। ये हो जाएगा किस फॉर्म में? कंपेरेटिव फॉर्म में। और इस स्मॉलर को अगर आप चाहे कि सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज करें, तो यही स्मॉल अगर सुपरलेटिव फॉर्म में जाना चाहे, तो सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है कि जो चीजें सुपर हो, मतलब कि विच कांच भी कंपेयर्ड, मतलब जो कंपेरेबल ही नहीं हो, जिसे कंपेयर कर ही नहीं सकते हम, यानी जो चीज अपने आप में सुपर हो, तो स्मॉल को सुपर बनाना है। तो सुपर बनाने के लिए कहता है कि वन सिलेबल वाला अगर वर्ड मिले हमें, तो इसमें ईएसटी जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए आप? ईएसटी जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल है, स्मॉल तो आपका बेस वर्ड हो गया। अब बेस वर्ड में जोड़ना है क्या? इसमें ईएसटी जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। मतलब क्या कि पॉजिटिव स्मॉल, कंपेरेटिव स्मॉलर, और आपका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? आपका स्मॉलेस्ट। अर्थात कि पहले जो अगर रूल की अगर बात करें हम डिग्री को चेंज करने की, पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म को, तो कह रहे हैं जब सिंगल सिलेबल वाले सामान्य रूप से जितने भी एडजेक्टिव हमें मिलेंगे, जितने भी एडवर्ब हमें मिलेंगे, उसे क्या करना है कि सामान्य रूप से उसमें ईआर और ईएसटी जोड़कर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ईआर जोड़ेंगे तो कंपेरेटिव बन जाएगा और ईएसटी जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। अगर कोई कहे कि सुपरलेटिव वर्ड दे दे और कहे कि बताइए इसका आप पॉजिटिव बना के बताइए, जैसे देखिए, अब देखिए यहां पे एग्जांपल के फॉर्म में ले लेते हैं पुअरेस्ट। पुअरेस्ट ये वर्ड हो गया और ये पुअरेस्ट लगा हुआ, ईएसटी लगा हुआ है, कंफर्म हो गया कि ये क्या होगा? सुपरलेटिव, मतलब इतना गरीब, मतलब सबसे गरीब, इतना ज्यादा गरीब है कि जिसे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी से कि कितना गरीब है कितना गरीब नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पे ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुअरेस्ट है और इसको कहा जाए कि आपको क्या बनाना है? पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में चेंज करना है। तो पॉजिटिव के लिए चेंज क्या करेंगे? तो हम पहले देखेंगे कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव तक जाने के लिए हम कर क्या रहे थे। तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव जाने के लिए आपने क्या ऐड किया था? इसमें ईएसटी इसमें आपने जोड़ा था। तो बताइए फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव आने के लिए इसमें से निकालना क्या पड़ेगा? तो ईएसटी को निकालना पड़ेगा। तो पुअरेस्ट में से ईएसटी को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? पुअर बचेगा। तो पुअर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म, राइट। अगर कहेगा कि सुपरलेटिव वर्ड को यहीं से आप कॉम्पेरेटिव में चेंज कर दीजिए, किसमें चेंज कर दीजिए? कॉम्पेरेटिव में चेंज कर दीजिए। तो कॉम्पेरेटिव में करना है तो कंपेयर फॉर्म में करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें से पहले ईएसटी हटेगा तो पॉजिटिव फॉर्म आएगा, और पॉजिटिव फॉर्म में क्या जोड़ेंगे तो कंपेरेटिव बनेगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ईआर ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा? पी डबल ओ आर पुअर, और इसमें ईआर ऐड करेंगे तो पुअर हो जाएगा। तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉम्पेरेटिव का हो जाएगा। ईएसटी जोड़ा तो सुपरलेटिव हो गया, और इसमें से अगर कुछ भी आपने ऐड नहीं किया है, सिर्फ बेस वर्ड है, सिर्फ उसका पोज बता रहा है, तो वह फॉर्म आपका कौन सा है? पॉजिटिव फॉर्म है, राइट। तो ये तीनों फॉर्म आसानी से आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि ऐसे भी वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जिसके लास्ट में क्या दिया हो कि कॉन्सोनेंट के बाद एक वर्ड वाई दे देता है सामान्य रूप से। जरा देखते हैं, इसको वन सिलेबल के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है, और वो चेंजेज क्या आता है कि लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट के बाद वाई का फॉर्म दिया हो। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में अगर बात करें हम लोग, एच ए
जबल पी वाई हैप्पी। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहां पे जो आपका वर्ड बनेगा ये भी आपका वन सेलेबल से ज्यादा नहीं बनने वाला, टू सेलेबल यहां से भी नहीं निकलेगा। जब टू सेलेबल नहीं निकलेगा तो ये भी सिंगल सेलेबल में ही जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका सेकेंड लास्ट पोजिशन पे एक कॉन्सोनेंट है। सेकेंड लास्ट पोजिशन पे क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के ठीक बाद क्या दिया हुआ है? तो वाई दिया हुआ है। कॉन्सोनेंट के बाद क्या दिया हुआ है? वाई दिया हुआ है। तो कॉन्सोनेंट फॉर्म के बाद अगर वाई का कंडीशन दिया हो तो ऐसे जो आपके पोज वाले वर्ड है, इट मींस पॉजिटिव जितने भी वर्ड्स हैं, इस पॉजिटिव को कॉम्पेयर के फॉर्म में चेंज करने के लिए, अर्थात कि कॉम्पेरेटिव फॉर्म चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जो लास्ट वाला वाई है ना उसके साथ कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैलिड नहीं हो रहा है, इसके साथ मजा नहीं आ रहा है, मतलब ये जुड़ नहीं पा रहा है इसके साथ में। तो जो चीजें नहीं जुड़ेगी उसको साइड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एच ए डबल पी यहां तक तो कंपेरेटिव में ऐड हो जा रहा है, लेकिन वाई वाला एडजस्ट नहीं कर रहा है। तो वाई वाले को क्या करना है कि आई में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है? आई में कन्वर्ट कर देना है। अब एडजस्टेबल हो गया। और हमारा रूल क्या कहता है कि वन सिलेबल वाले में लास्ट में यूज क्या करना है कंपेरेटिव में? तो ईआर का यूज करना है, तो ईआर लगा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? हैपियर। हैपियर क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्पेरेटिव डिग्री। इट मींस क्या कि वाई के फॉर्म को आपने कन्वर्ट कर दिया आई के फॉर्म में, वाई को किस में कन्वर्ट कर दिया? आई के फॉर्म में। और लास्ट में जो आपका वर्ड ऐड करना है उसमें ईआर, अर्थात कि आई ईआर ऐड करना है किसके जगह पे? वाई के जगह पर। तब वो क्या बनेगा? कॉम्पेरेटिव डिग्री। क्लियर है आप लोग को? अगर इसी बात को अगर सुपरलेटिव में जाइएगा, किसमें जाएंगे? सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव फॉर्म में क्या करना पड़ेगा आपको? सुपरलेटिव में फिर एच ए डबल पी यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है? वाई से। तो वाई के जगह पर यहां भी यूज करना पड़ेगा आई, ठीक है। और लास्ट में सुपरलेटिव में क्या ऐड करते हैं हम लोग? ईएसटी। तो इसमें भी ईएसटी जोड़ देंगे। तो एच ए डबल पी आई ई एस टी, इट मीन्स हैप्पीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ये पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और फिर कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सुपरलेटिव। तो क्लियर हो गया होगा कि सिंगल सेलेबल वाले वर्ड जो, तो उसको आप पॉजिटिव से कॉम्पेरेटिव, कॉम्पेरेटिव से सुपरलेटिव फॉर्म कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है आप लोग को? आशा फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंगल आपका पहला जो रूल है आपका डिग्री चेंज करने का या फॉर्म चेंज करने का, वो क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में बाकी की बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। एक चीज ध्यान रखना है आपको, डिग्री के तीनों फॉर्म आपको याद रखने, पोज से, दूसरा कंपेयर वर्ड से और तीसरा सुपर वर्ड से, राइट। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।